ग्रीन आर्मी संस्था बेहतरीन पहल करने जा रही है। संस्था राजधानी रायपुर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। यह अभियान राजधानी से पॉलीथीन समाप्त होने तक चलाई जाएगी। संपूर्ण योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए व्यापक 12 सूत्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि रायपुर शहर पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त ना हो जाए। इसके अलावा संस्था की ओर से 3 दिसंबर को साइकिल रैली भी निकाली जाएगी। इतना ही नहीं, प्रत्येक माह के अंत में ग्रीन आर्मी सेंट्रल कोर कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। साथ ही शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने महापौर, व्यापारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। नमस्कार साथियों, मैं अमिताभ दुबे ग्रीन आर्मी की तरफ से अपने पूरे टीम के साथ में हम इस मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं कि पॉलीथीन रूपी जहर हर हालत में बंद होना चाहिए। इसके लिए शुरुआती तौर पर हम जन जागरण कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात, अपनी आवाज पूरी जनता तक भी और हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वहां तक भी और जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं जो इसका सेल करते हैं, इसका परचेस करते हैं, वहां तक भी पूरे लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये पॉलीथीन रूपी जहर बहुत ही नुकसानदायक है, इसे हम सबको मिलकर बंद करना चाहिए। इसके लिए लगातार नियमित रूप से हम रायपुर के जनप्रतिनिधियों तक, कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर, उन सब तक जा रहे हैं। अभी हम समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं, व्यापारियों को जोड़ रहे हैं और इसके साथ ही पर्यावरण मंडल, जिम्मेदार अधिकारी, नगर निगम, उन सब के पास में जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 से पॉलीथीन को बंद करने की घोषणा करें और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। और हमारा ये भी निवेदन है कि जो छोटे 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 व्यापारी हैं, जिनके बातों में बात होती है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन पर कार्रवाई प्रतिबंध ना हो, बल्कि जो थोक व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, कॉर्पोरेट लोग जो उसको काम कर रहे हैं, जो भारी मुनाफा कमा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो। बस यही हमारा ग्रीन आर्मी की तरफ से निवेदन है कि पॉलीथीन मुक्त रायपुर हो हमारा। जय हिंद।